बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस कॉलेज एकेडमिक में अच्छा नहीं है लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी पास कर जाते हैं, कंपेयर टू दोज जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था कॉलेज में, लेकिन जब वो कॉलेज से पास आउट होकर कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं तो यहाँ रिजल्ट लाने में बहुत दिन लग जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है लेकिन बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम रेगुलरली दे रहे हैं या निकट भविष्य में देने वाले हैं। और ये सब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। 60 से 62वीं बीपीएससी पीटी में मेरा स्कोर जस्ट केवल 78 था, उसके बाद 87, और ये दो एग्जाम मैं लगातार बैक टू बैक फेल कर गया, जबकि मेरी तैयारी 2 से 3 साल की हो चुकी थी। उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो रहा था। बाद में कुछ कुछ चेंजेज, मैं बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा, बहुत सारे टॉपर्स का वीडियो देखा, उसके द्वारा सजेस्टेड कुछ मेजर्स मैं अपने स्टडी प्लान में डाला और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखना शुरू हो गया। तो कुछ स्ट्रेटजी जो मेरे पास था मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है? ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसको रीइन्फोर्स कीजिए, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर टू सिविल सर्विस। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्या कॉमन कॉजेज है फेलियर के। बहुत सारे स्टूडेंट ये बताते हैं कि क्वेश्चन जो था ना आउट ऑफ सिलेबस था, या किसी का तो किस्मत ही अच्छा नहीं है कि तुक्का ही नहीं लगता है। कितने स्टूडेंट का तो संडे संडे लकी नहीं है, और देखिए सारा एग्जाम संडे को ही होता है, तो संडे को सारा एग्जाम होता है, संडे उसके लिए लकी नहीं है तो कैसे वो पास करेगा बेचारा। प्रेशर और पैनिक, प्रेशर और पैनिक में आने से आप अच्छा क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, क्वेश्चन बना हुआ सही आप रंगने में गलत कर जाएंगे। यदि आप ठीक से नहीं सोए हैं तो दिमाग हैंग हो जाएगा, आपका तबीयत कुछ दिनों से खराब है तो भी आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता है। और वीक मेमोरी वालों का तो सबसे ज्यादा संख्या है, ये हमेशा कंप्लेन रहता है कि मेरा मेमोरी वीक है और ये एक फेलोर का बहुत बड़ा कारण। और सबसे लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाना, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ये जो ऊपर के सभी पॉइंट्स हैं ये बकवास है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। आपका लक, यदि आप तैयार नहीं है तो आपका लक हमेशा खराब रहेगा। प्रेशर में और पैनिक में आने की कोई बात ही नहीं होना चाहिए। रात में आप सोए या जगे, यदि आपकी तैयारी है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही। और वीक मेमोरी, तो सबका मेमोरी खराब होता है, किसी का मेमोरी, ह्यूमन बींग है, पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे फिर भूलेंगे। हाँ, एक चीज है इसमें से, रिवीजन ना कर पाना। और रिवीजन क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं? बिकॉज आपका जो स्टडी प्लान है, आपका जो अप्रोच है, उसमें आपको कुछ कुछ चेंजेज लाना चाहिए। यदि आपको चेंजेज अच्छा लगे तो आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। देखिए, पहला बात तो है कि स्टडी एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? कॉन्सेप्ट पर, रदर देन फोकसिंग ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। देखिए, फैक्ट पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो फैक्ट पे फोकस करने से क्या होगा, एक तो आपका मेमोरी जल्दी भर जाएगा और कॉन्सेप्ट के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होता है। तो आप किसी भी चीज को पढ़े तो पहले कॉन्सेप्ट को समझे, फैक्ट पे नहीं जाए। फैक्ट पे ठीक है, फैक्ट याद नहीं हो रहा है, बाद में याद हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लिए ना तो फैक्ट बाद में याद हो सकता है, लेकिन यदि फैक्ट के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो ये रिजल्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है, इसको समझिए आप। फिर फैक्ट कब करना चाहिए? तो जब एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप फैक्ट पे पूरा फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो उस टाइम में फैक्ट पे कीजिएगा। और एग्जाम से 2-3 महीने पहले फैक्ट पढ़िएगा तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस होगा और गलती होने का चांसेस भी कम। और एक है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, एग्जाम हॉल में जाइए, कूल रहिए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। इवन चेंजेस जो आप अपने प्रिपरेशन में करेंगे वो मुझे लगता है, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आप एक बार देखिए इसको, यदि अच्छा लगे तो अडॉप्ट कीजिएगा, ठीक है? तो पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप जो पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इसको मिलाइए कि कितना इसमें पूछा गया है। ठीक है, 4 साढ़े 400 आर्टिकल है पॉलिटी में। अब सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट, यदि आप 450 आर्टिकल यदि याद करेंगे, एक तो बल्कि उतना फैक्ट याद नहीं होगा, याद होगा तो आपका कहीं ना कहीं कुछ चीज छूटेगा, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि देखिए कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से तैयार कीजिए।
और देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है संविधान का, उसको आप तैयार कीजिए। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि कितना पढ़ने से हमको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। सेकंड है ट्रेंड योर माइंड दैट एग्जाम विल हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। आप देखते होंगे शुरू में आपका मेमोरी वीक रहता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है आपका मेमोरी का पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। पता नहीं कहां से पावर आना शुरू होता है, डोंट नो, लेकिन बढ़ना शुरू होता है। आप जो भी पढ़ेंगे वो याद होना शुरू हो जाएगा आपको अचानक। तो इसी हिसाब से दिमाग को इस हिसाब से ट्रेंड कीजिए कि आपका एग्जाम अगले वीक है। फिर आइए वन लाइनर वर्सेस मल्टीपल चॉइस। ठीक है, दो तरह का आपको मटेरियल मिलेगा। एक तो मल्टीपल चॉइस वाला इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जो कि यूट्यूब पे बहुत दिखता है, और एक वन लाइनर हो गया। इसमें देखिए कि श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में है कि 60 वर्ष के बाद कितना पेंशन मिलेगा। तो उसको पहले यूट्यूब पे बताया जाएगा 3500 पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो फिर बताया जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, जबकि यहां पर जब आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो सीधा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब क्या होगा, एग्जाम में यदि सेम क्वेश्चन आया और यहां पर आप यदि ये पांच चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद एक करेक्ट आंसर लगाए हैं तो 3000 के साथ साथ आपके मेमोरी में 3500 और 2000 भी किसी न किसी रूप में चला गया है, और वो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन बनता है। ठीक है, और जबकि यहां देखिए आपको यहां कुछ दिखाई नहीं है, आप मानधन पेंशन योजना जानते हैं और 3000 जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आएगा दिमाग आपका क्लिक करेगा 3000 पर कि मल्टीपल चॉइस वर्सेस वन लाइनर को आप प्रेफर कीजिए, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। फिर आ जाइए विजुलाइजेशन वर्सेस मेमोराइजेशन। देखिए बहुत सारा चीज हम याद नहीं कर सकते हैं, मेमोरी लिमिटेड है, तो विजुलाइज देख के उसको समझिए, याद नहीं करना है, देख के समझना है। जैसे ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन का बहुत सारा विनर का नाम है। अब मैं यहां क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के आगे एनओ लिख दिया, नो, एनओ को मैं विजुलाइज कर लिया। एन इसका फर्स्ट लेटर, नोआमी ओसाका का फर्स्ट लेटर, ओ का फर्स्ट लेटर, यहां पे इसका ए लेटर और इसका बी लेटर को विजुलाइज कर लिया। अब देखिए जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो इसका कोई ऑप्शन में नहीं होगा कि दो ऑप्शन में ए बी वाला आपका वर्ड लिखा हो। हाँ, यहां पे हो सकता है ए बी की जगह अमिताभ बच्चन लिख दिए, एवी की जगह अमिताभ बच्चन लिख दे तो उसको भी मैं मार के आ जाऊंगा क्योंकि मैं ए भी देखा हूं, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। जैसे पिरेम्बल का ये जो शब्द लिखा है सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, सभी को पता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में इसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाए तो आप वहां सोशलिस्ट और सेकुलर में कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, 100% होगा, ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन आप विजुलाइज कर लीजिए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, एसओ बी एसओ सी एंड एस ई सी। ठीक है, फर्स्ट थ्री लेटर इसका उठाइए। अब देखिए इसको विजुलाइज एक बार आप कर लीजिए वो आप फिर कभी भूलेंगे। देन शॉर्ट नोट्स एंड क्विक रिवीजन, नोट्स को फिर आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कीजिए ताकि क्विक रिवीजन हो सके। देखिए जैसे कि ये शॉर्ट नोट्स है, एक ही पेज में ही कुछ तो 60 से 70 जीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार 7th एंड 4th लगातार, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 4थी बार लगातार बने हैं। तो क्वेश्चन पूरा मत लीजिए, सिर्फ आंसर आंसर लिखते चलिए और आंसर को रिवाइज कीजिए। आंसर को रिवीजन करते वक्त आपको उसका क्वेश्चन याद आएगा और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रिवीजन टिल लास्ट मिनट, फैक्ट एंड फिगर स्पेशली। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो बहुत लोग ऐसा बताएंगे आपको कि 24 घंटा पहले पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, दिमाग भर जाता है, कुछ नहीं आपको याद आएगा, आप कंफ्यूज करोगे, ऐसा नहीं है। आप रिवीजन कीजिए टिल लास्ट मिनट, एग्जाम हॉल तक आप रिवाइज कीजिए, खास करके फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर को पूरा रटना नहीं है, केवल आप उसको एक व्यू एट ग्लांस करते रहिए। आप जब देखते रहेंगे ना तो होगा क्या, जब आप एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन आएगा ना तो आपका अंदरूनी मन कहीं ना कहीं कहेगा कि ये सही है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। जब आप एग्जाम के नजदीक पहुंचते हैं तो 2-3 महीना खास करके आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, 2-3 महीना सोशल मीडिया से आप दूर मत रहिए, लिमिट कर दीजिए और जुडिशली यूज कीजिए। देखिए ये सब जो छोटी छोटी चेंजेज है ना, यदि आप अपने पैटर्न में लाते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, अप्रोचेज में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिशरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिवीजन 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 इज द की टू रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा।